तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज 5 सितंबर है और टीचर्स डे है। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने रिस्पेक्ट, अपने बेस्ट विशेस भेजी इस दिन। मैं उन सब का थैंक्स करना चाहता हूं, और जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं कर पाए किसी रीज़न से, बल उनके मन में है, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आप ये भी जानते होंगे कि इस दिन को हम मनाते हैं 1962 ऑनवर्ड्स, हमारे जो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिन टीचर्स को एक तरह का रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके रोल को रिफ्रेश करने के लिए, और स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को और बाइंड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए ये मनाया जाता है। हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में जो टीचर का रोल है, वो पेरेंट्स के बाद टीचर्स का रोल आता है, और ऐसा भी कहा जाता है दैट दे आर द थर्ड पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। पर्सनैलिटी डेवलप करने में और हमारा कैरियर का ग्रोथ करने में टीचर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। हम सब जानते हैं कि जैसे एक सड़क हमारे लिए अंधेरी सड़क में अगर हम जा रहे हैं और हमें लाइट मिल जाती है तो हम उस सड़क पर, अपनी जर्नी हमारी स्मूथ हो जाती है। सिमिलरली, हम अपने कैरियर में अगर हमें ऐसे टीचर मिलते हैं जो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, जो हमें उस रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या कठिनाई आती हैं उनका सामना करने की हिम्मत देते हैं और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमें ज़िंदगी में कैसे टीचर मिलते हैं वो भी हमारी एक खुशकिस्मती होती है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे अच्छे टीचर मिले अपनी लाइफ में। मैंने कुछ टाइम के लिए कैलाश चंद्रा जी से भी शॉर्ट एंड की, और मैंने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने एक टीचर, जिनका मैं मेंशन करना चाहूँगा, मिस्टर विजय नारंग, जो दिल्ली में रहते थे उस समय, आजकल गुड़गांव में रहते हैं, उनसे मैंने शॉर्ट एंड सीखी। तो आप कैसा टीचर लेते हैं, वो स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, कितना आपको उसमें कंट्रीब्यूट करता है आपको पढ़ाने में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। मैंने टीचर को एक सड़क से भी, रोड से भी कंपेयर किया है, इन द सेंस कि एक सड़क खुद तो वहीं रह जाती है लेकिन सबको रास्ता दिखाती है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने का। तो ये एक तरीका है व्यक्त करने का लोगों का कि टीचर का हमारी लाइफ में, हमारी ग्रोथ में, हमारे कैरियर में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। आज के दिन अपनी तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग भी स्किल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। कॉन्शियस होइए कि हमने ये काम करना है, उसमें पूरा अपने एफर्ट्स लगाइए, चीज़ों को प्लान करिए, अपना शेड्यूल, डेली शेड्यूल बनाइए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। शेड्यूल बनाना जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा है उसको एग्जीक्यूट करना, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नेचुरली आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी और सबको आती हैं। स्ट्रगलिंग टाइम है आप सबके लिए, और इसी स्ट्रगलिंग टाइम में ही हमें अपना पेशेंस मेंटेन करके चलना है, और जो लोग अपने आप, अपनी तरफ से अपनी तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए तो सिर्फ यही है कि समय की बात है, कभी भी ये समय आ सकता है और उनको जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी डेस्टिनेशन से दूर हैं थोड़ा, इन द सेंस के अभी उनको और ज़्यादा मेहनत करनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें और ठीक डायरेक्शन पे जाएं, ताकि उनको कम समय लगे उसके लिए। अपने चीज़ों को रिव्यू करते रहें, और जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस लेते रहें, और अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें और नेचुरली ग्रो करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ओके, विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू।